राजधानी लखनऊ के बसंत विहार पिकनिक स्पॉट रोड पर स्वास्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सर्वे संत निरामया के मूल मंत्र के आधार पर परामर्श एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन होम्योपैथिक के जनक हैनीमैन की पुण्यतिथि पर किया गया। वहीं होम्योपैथिक एवं रिसर्च सेंटर के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर अम्बु शुक्ला ने बताया कि भारत में हृदय रोग, आर्थराइटिस, थायराइड, ऑटो इम्यून रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनका प्रमुख कारण मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या, शारीरिक श्रम का अभाव, खान पान की शैली में बदलाव है। जो बीमारियां पहले 40 से 50 वर्ष की अवस्था में होती थी, अब वह 25 से 30 वर्ष में प्रारंभ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि साथी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में गरीबों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और होम्योपैथी की दवाइयां वितरित की गई। देखिए, ये डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथी के जनक हैं, तो वैसे तो उनका जन्मदिन आज नहीं होता है, 10 अप्रैल को होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी उनको ध्यान में रखते हुए, इनकी जो कार्य थे उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सीज़न ऐसा होता है, ट्रांजिशन फेज होता है, इस समय तमाम तरह की बीमारियाँ आती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, अस्थमा, आर्थराइटिस और वायरल डिजीज़, तो उन सबको उसके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर एक फ्री कैंप लगाया जाता है। ये सारथी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है और दिशा के लिए जो ये दिशा होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर यह आयोजित किया जाता है। देखिए, आज होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन जी का जन्मदिन है, जो यहाँ डॉक्टर अम्बु शुक्ला जी जो दिशा क्लिनिक के होम्योपैथी के नाम से यहाँ चला रहे हैं और लंबे अरसे से जिनका होम्योपैथी का ज्ञान बहुत ही परिष्कृत है, और मुझे, मैं तो 10-15 सालों से उनसे जुड़ा हूँ और मुझे ये लगता है कई बार कि मुझे एलोपैथी से भी अच्छी जो चिकित्सा देते हैं और जिनके पास उसका ज्ञान है, वो हैनीमैन जी से प्रेरणा लेकर के उस विज्ञान को पढ़ कर के और आज जनसेवा का काम कर रहे हैं, तमाम परिवारों की, गरीब परिवारों के लिए, आर्मी से जुड़े परिवारों के लिए, समाज सेवियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा करते हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके इस जो होम्योपैथी का जो उनका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, ये निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसकी हम शुभकामना इस अवसर पर करते हैं।